प्रभु ने सोचा मैं ब्रज में आया हूँ माखन दूध दही खाने पीने, और ये लोग जहर पिलाने आने, ऐसे व्यक्तियों को मैं मेरी कृपा दृष्टि नहीं दे सकता, इसलिए नेत्र मूंदे। दूसरे संत का मानना है कि भगवान ने नेत्र इसलिए मूंदे, उनको बोध हुआ कि पूतना पूतना नहीं, मेरे भक्त बलि की पुत्री रत्नमाला। पावन भगवान ने जब छल लिया बलि को, तो भगवान ने कहा कि ये कामना भी तेरे द्वापर में पूरी रही, आज वही रत्नमाला पूतना बन रहा है। अब वरदान तो दे चुके, पूर्ण भी करना है, तो भगवान को बोध हुआ ये राक्षसी है और मैं आया हूँ अधर्म का विनाश करने, राक्षसों का संहार करने, मारना तो है ही, लेकिन मैं इसका वध करूं और मुझे इसके मुखमंडल में कहीं पीढ़ियों तक खत्म नहीं होता। आपने सुना हो किसी परिवार में, किसी खानदान में, किसी वंश में कोई रोग बहुत पुराने पीढ़ी से चला आ रहा है, और ऐसे रोगी जब डॉक्टर के पास जाए तो पूछता है कि किसी और को भी बीमारी तुम्हारे परिवार में ठीक है, तो बोले हाँ हमारे परदादा को, इतनी बड़ी इतनी दूर से बीमार है, अभी छोड़ दो। तो दूसरा की शकल पर है न पिता की शकल पर है, ना जो निजी उपस्थित हो गया दादाजी के दादाजी की शकल, तो फिर कैसे मान लिया जाए छवि खत्म नहीं होती। वंश परंपरा क्या पीढ़ी के साथ नष्ट हो जाती? महाराज रघु तो बहुत पहले हुए और आज दशरथ जी कह रहे रघुकुल रीति कदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वंश परंपरा नष्ट नहीं होती, वंश बीमारी नष्ट नहीं होती, पर वंश अंश नष्ट नहीं होता, युगों पीढ़ियों तक चलता है। तो मेरे प्रभु ने सोचा कि आज मैं इसका वध करूं और इसके मुख में मुझे मेरे भक्त की छवि दिख गई, तो भक्त की बेटी को कैसे मार पाऊं, इसलिए न देखूंगा न कोई छवि दिखाई पड़ेगी, पर मैं मेरे काम को आसानी से कर लूं। तीसरा संत के लिए असंख्य ममता, बहुत प्रेम। चौथे संत का तर्क है भगवान ने इसलिए नेत्र मूंदे क्योंकि पूतना दम्भ लेकर आ गई, दम्ब लेकर। और प्रभु ने क्या कहा, देखिए मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि हमारा जो आचरण अच्छा लगता है हम वही करना चाहिए और करते करें तो उसकी नजरों में हमारी कुछ अहमियत होगी, यदि उसके विपरीत हम चले तो एक दिन समझ आएगा, दो दिन आखिर दिल से निकाल देगा कि मेरे अनुकूल। ऐसे ही मेरे प्रभु ने इस संसारी साधक से विनम्र निवेदन करके एक अपेक्षा की, एक मांग की कि भाई मुझे ये प्रभु ने भक्त से संसारी जीव से इतनी अपेक्षा की तो मुझे निर्मल आधार तो देखिए, भक्ति का सूत्र तो मेरे प्रभु ने इस संसारी जीव से क्या मांगा, जरा अपनी दशा देखो, विजिता में झांक कर देखो कि हमारी कितनी अपेक्षाएं वो हरि पूरा कर रहा है। धन चाहिए धन दे रहा है, बल चाहिए बल दे रहा है, विद्या चाहिए विद्या दे रहा है, बुद्धि चाहिए बुद्धि दे रहा है, यश प्रतिष्ठा कीर्ति सब मुकम करो तिराचालम पंगुम लंघ्यते गिरिं यत्र पातम हम बंदे परमानंद माधव। उसकी कृपा से ये सब हो रहा है, हमारी क्या औकात क्या हस्ति हमारी, ये कुछ करके उसकी कृपा, इतना देने के बाद उसने क्या माना हमसे, केवल एक निर्मल मन, तेरे मन से विकारों को तू हटा मैं तेरा, तेरे मन में जो कुभाव है तो उसको दूर हटा भाव भर मैं तेरा, और निर्मल मन की ये दशा अवरल भक्ति उसमें आ जाए, निर्मल मन में अभंग प्रेम पैदा हो सकता है। और ब्रिज का ये सूत्र कि प्रेम हो तो अभंग हो, जगत लाभ प्रयत्न करने पर भी हमारे प्रेम में अभंग कोई संभव नहीं।
दम्भ लेकर के मेरे पास कोई मत आ। यदि समर्पण भाव से तुम्हारे हो तो अगो की पोटली बना कर ला। सन्मुख हो जीव मो जब ही रामा की निर्मल मन लेकर ही तो गए। मोहे कपट चल के कपट छल छिद्र ने भा। तो एक संत का ये मत है कि पूतना को देखकर मेरे प्रभु ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि पूतना दंभ लेकर जा रही है। जो है नहीं वो तो दिखने का प्रयत्न कर रही है, उसको दंभ कर। वास्तविक रहो, यथार्थ में जियो। यथार्थ में एक ना एक दिन लौटना पड़े और फिर कभी बहुत देर ना हो जाए। मेरी दृष्टि में जो आ रहा है कि है तो सबके भीतर, कोई कभी कोई दूर लगता है जो पहले तो यही खा लेते हैं। हम कहाँ गए? तो चोर वो गया बाजार सामान लेने खाने पीने। तो जिस बीच वो बाजार गया और वहां से आना है, इस बीच का जो एकांत अवसर सेठ को मिला, इस वक्त में सेठ जी ने अपना जो धन था जहां छुपाना था छुपा दिया। उसकी अनुपस्थिति सामान लेकर आ गया, दोनों ने खा पी लिया, सो गए। अब सेठ को तो नींद आ गई लेकिन उस साधक को नींद कहाँ आने वाली। साधुओं के अनुसार कई लोगों को नींद नहीं आती। कौन कौन को? एक तो जिसको चोरी करनी हो उसको नींद नहीं आती क्योंकि वही समय उसका होता है काम करने का और वही समय सोने का, तो सोएगा तो खोएगा, इसलिए जागता है सो पाता है।